कुंभकरण घननाद का जब हो चुका संहार, रावण लड़ने को स्वयं हुआ तभी तैयार। रावण लड़ने को स्वयं हुआ तभी तैयार। कुंभकरण और मेघनाथ इत्यादि के योद्धा जब मारे गए, उसके बाद में लंकेश ने ये सोचा कि अब हम स्वयं ही जाकर के देखेंगे तपसी बालक कैसे हैं। और भैया, लंकापति रावण ने फौजों को तैयार किया और तैयार करने के बाद में सब जवानों से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलेंगे उस रणखेतों के बीच में, मैं भी चलता हूं साथ साथ, धाबाया भी सा करुणा है। विजयी होकर अब जीना है और वीर भूमि पर मरना है। रावण ने जिस समय खुले तौर जवाब दिया कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, तो ध्यान रखना दोस्तों, सभी फौज को साथ लेकर के आज लंकापति रावण आगे को बढ़ा, तब तक मंदोदरी ने पैर पकड़ लिए और रो करके जवाब दिया, श्रीमन जिन्हें तुम बालक समझते हो वो बालक नहीं है, भगवान है, अवतारी है, इसलिए मेरा केवल एक कहना है तुमसे। दोनों हाथ जोड़ करके आज उस अर्धांगिनी ने खुले तौर रावण को समझाया कि महाराज, कि खैर चाहो तुम जो अपनी जान की, मंदोदरी के ऐसे शब्द सुनकर के लंकापति रावण कहने लगा, लंका सेना जानकी अब जानकी, लंका सेना जानकी अब जानकी, जानकर बाजी लगा दी, मेरी नारी रही क्यों घबराई घबराई, डरू करे मतीरी कछु तपसन को, मेरी नारी क्यों रही घबराई डरू करे मती कछु तपसन को, लंकापति रावण ने जब कोई बात नहीं सुनी है दोस्तों, उसी समय
काली आंधी के समान दल उमड़ता हुआ जा रहा है समुद्र के किनारे, और जैसे ही भगवान श्री राम ने देखा, सभी बानर युद्ध क्षेत्र में आगे पहुंचे। रावण ने देखा जब ही और निज दल का ये हाल, तब तेवर तिरछे तने तीर तने तत्काल। जैसे ही लंकापति रावण से घमासान युद्ध हुआ बानरों से, रामा दल की सेना के सभी जवान राक्षसों को बुरी तरह से मारने लगे। तीखे तीरों ने किया जाते ही ये काम, कोहरे सा फटने लगा बानर कटक तमाम। बानर जैसे ही आगे बढ़ के आए, बानरों को देख करके रावण ने जिस समय बाण छोड़े, तो बानर पर बानर इस तरीके से जमीन पर गिरने लगे जैसे पतझड़ में वृक्षों से पत्ते टूट टूट के गिरते हैं। वीर बजरंग बली ने ये हाल जब बानरों का देखा, आगे बढ़कर के बजरंग बली ने एक पत्थर फेंक दिया। पत्थर का प्रबल प्रचंड खंड हनुमत के कर से छूट गया, थर थराय उठा निश्चर समूह, निश्चर पति का रथ टूट गया। बजरंग बली ने जिस समय ये हालत देखी बानरों की, तो महावीर ने जैसे ही एक पत्थर फेंका तो लंकेश का रथ टूट गया। दोस्तों ये हालत देख करके वो रावण कहने लगा, बा भाई मान गया रावण कहा, धन्य तुझे है कीस, खुश है तेरी शक्ति पर लंका पति दस शीस। रावण ने कहा, धन्य है तेरी मां को, ऐसा योद्धा आज दिन तक न तो देखा था और न सुना था, लेकिन आज ये पता चला है। आज प्रथम ही अवसर है जो तूने रथ को तोड़ा है, और जितना सम्मान करूं तेरा वह सब इस जय पर तोड़ा है। रावण के ऐसे शब्द सुनने के बाद में दोस्तों कहा, अंजनी लाल ने हे जग विजयी वीर, मैं बानर किस योगी हूँ जो कुछ है रघुवीर। खुले तौर जवाब दिया महावीर बजरंग बली ने, ओरे रावण मैं तो किसी योग्य नहीं हूं, ये सब भगवान श्री राम की ही कृपा है। तो रावण कहने लगा, मुझे पागल बनाने की कोशिश ना करो। कि रावण बोला, मैं समझ गया यह ब्रह्मचर्य का ही बल है, रावण बोला मैं
मचर यही काबल है। तुम बाल ब्रह्मचारी हो कपि, यह तुम में ही सच्चा बल है। बजरंग बली की वीरता को निहार करके लंकापति रावण ने कहा, अच्छा अब मेरी इच्छा है तुम मेरे साथी हो जाओ। रणनायक की पदवी लेकर मेरे रण मंत्री हो जाओ। खोले तौर लंकापति रावण ने कहा बजरंग बली से, आज तुम्हारी शक्ति को देख करके हम बड़े ही प्रसन्न हैं। जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा वीर देखा है जो तुमने हमारे रथ को तोड़ डाला। अगर तुम हमारी तरफ हो जाओ तो मैं तुम्हें रण मंत्री बना दूंगा। दोस्तों, ऐसे शब्द सुनने के बाद में महावीर बजरंग बली ने कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्षमा कीजिए इस पदवी की। यह उत्तर सुन दस बदन लज्जित हुआ अपार, पानी पानी हो गया था जो पानीदार। खुले तौर जवाब दिया रावण ने कि अब मैं देखता हूं कि तेरे बदन में कितनी शक्ति है। अब तालठों की कुश्ती ठहरी, दोनों ही योद्धा भिड़ते हैं। होता ज्ञान से यह कंजल, सुमेरु गिरी बालड़ते हैं। जिस समय बजरंग बली और रावण में कुश्ती हुई है दोस्तों, कि लड़ते लड़ते दोनों ही को एक घंटे का अवसर बीता। इस जोड़ तोड़ का जोड़ लड़ा, कोई न गिरा बिना भर पीता। सारा दिन बीत गया। जिस समय शाम होने के लिए आई है, उसी समय लंकेश ने खुले तौर कहा कि अब ऐसे नहीं तू मरेगा। तो रावण बोला, फैसला हुआ नहीं हनुमंत, अच्छा मुक्का मार कर करना है अब अंत। बजरंग बली से जब ये कहा कि मैं तुम्हारे मुक्का मार करके तुम्हारा अंत करेंगे, तो रावण ने जिस समय रावण से बलवान का खाकर मुक्का एक एक हाथ हनुमान ने दिया भूमि पर टेक। एक हाथ बजरंग बली का जमीन पर आ गया। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़कर के भगवान श्री राम का ध्यान करके बजरंग बली रावण से बोले, कि तेरा बार निष्फल हुआ राम, कृपा से आज मेरा मुष्टिक देख अब असुरों के सरताज। मुक्का मारा किसने कह जब जय रघुनाथ, रावण मूर्छित हो गया घूम गए दशमाथ।
ही बजरंग बली ने मुक्का मारा रावड़ के, तो रावण मूर्छित हो गया। और थोड़े समय बाद जिस समय आंख खुली है, खुले तौर जवाब दिया, धन्य है तेरी माँ को हे बलशाली, जो मेरे मुक्का से और मेरे इस बल से देवता ही नहीं बल्कि तीनों लोक दहलाते हैं, लेकिन तेरा एक मुक्का खा करके मैं चेतनाहीन हो गया। उसी समय जवाब दिया बजरंग बली ने, दोस्त तुम्हारा नहीं है। अरे रावण तू क्यों लज्जित है, यदि मेरा मुक्का पड़ जाए तो पर्वत पिस जाए पल में, वह पल है मेरे मुक्के में, धरती धस जाए रसातल में। बजरंग बली ने जवाब दिया, ओरे रावण है खेत बही मुक्का खा कर तू मेरे सम्मुख जीवित है, तू क्यों लज्जित है, दस कंदर हनुमान स्वयं ही लज्जित है। रावण कहने लगा, ओरे बानरे, खैर आज तो शाम हो गई और आज नहीं अब सुबह देखूंगा, अब तो सायंकाल है, युद्ध हो गया बंद, कल प्रभात तुम सभी का काटूंगा भव भंग। रावण बोला के भोरे आबेंगे, भोरे आबेंगे लंका में जूझ समर के खेला, भोरे आबेंगे लंका में जूझ समर के खेला, भोरे आबेंगे। इतने शब्द कहने के बाद में लंकापति रावण जब चला गया, दोस्तों सुबह ही सुबह जिस समय फौज को लेकर के लंकापति रावण युद्ध के मैदान में उतर पड़ा, तो बानर रावण के सामने पहुंच करके राक्षसों से जब युद्ध करने लगे, क्या दशा बनी बानरों की वहां कि पतझड़ मौसम में जैसे वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, त्यों ही रावण के बाणों से बानर पर बानर गिरते हैं। त्यों ही रावण के बाणों से बानर पर बानर गिरते हैं। भगवान श्री राम ने जब देखा कि मेरे भक्तों के ऊपर इतनी मुसीबत है, तो ध्यान रखना दोस्तों, भक्तों की आरत वाणी को सुन सकते हैं श्री राम कहां, जब संकट आए दासों पर तो स्वामी को विश्राम कहां। अपनी जिस आदत के कारण साकेत क्षीर सागर छोड़ा, पृथ्वी पर नर होकर आए वैकुंठ लोक सागर छोड़ा। भगवान श्री राम ने जिस समय बानरों की हालत देखी है दोस्तों, धनुष और बाण को लेकर के श्री राम आगे रावण की तरफ जब बढ़े हैं,
तो क्या हालत थी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की के गुस्से के चिन्ह न थे मुख पर, प्रभु मंद मंद मुस्कुराते थे। हाँ खरी करारी चित बन से रावण पर दृष्टि जमाते थे। इतने ही में हो गया दृष्टि और का और, रावण कुछ बकता हुआ आ पहुंचा उस ठोर। भगवान श्री राम के चेहरा पर गुस्से के चिन्ह तो नहीं थे, प्रभु जरा जरा से मुस्कुराते हुए जब आगे को बढ़े। दशकंदर रावण ने जी भर के जब भगवान श्री राम की तंदुरुस्ती को देखा, उनके जब स्वरूप को निहारा, तो दोस्तों हाथों से धनुष बाण छूटा जब सम्मुख आया रघुबर के, रह गया मूर्ति की तरह खड़ा दर्शन कर उन विश्वंभर के। जैसे ही रावण ने भगवान श्री राम की तंदुरुस्ती को देखा, मूर्त की तरह से खड़ा रह गया, जिसके हाथ से धनुष बाण छूट करके जमीन पर गिर पड़ा, तब उस बैरी भक्त का प्रभु ने खींचा ज्ञान, भूला पिछली बात सब छाया फिर अभिमान। आगे बढ़ करके लंकापति रावण कहने लगा कि जरा से बालक तुम आग में घुसते चले आ रहे हो, ये आग तुम्हें जला डालेगी, अगर एक जरा भी चिंगारी पड़ गई तो प्राणों पर नौबत आ जाएगी, इसलिए लौट के चले जाओ। तो लक्ष्मण जी से चुप नहीं रह गया और लक्ष्मण जी खुले तौर बोले कि लक्ष्मण रह सके मौन कहां, बोले धोती ये धमकी है। सूरज बंसी जंगारे हैं, चिंगारी क्या कर सकती है। जैसे ही लक्ष्मण ने जवाब दिया कि सूरज बंसी तो स्वयं ही अंगारे हैं और ये चिंगारी भला हमारा क्या बिगाड़ेगी, उसी समय दोस्तों रथ आगे बढ़ा दिया लंकापति रावण ने। आज रावण रथ पर है, श्री राम पैदल हैं, तो भक्त विभीषण आगे बढ़े और विभीषण ने जवाब दिया महाराज कि हे नाथनन पद में पद त्राण, हे नाथन पद में पद त्राण, चढ़ने को रथ भी पास नहीं, पैदल जीते रथ वाले को, पैदल जीते रथ वाले को होता मुझको विश्वास नहीं। विभीषण ने जवाब दिया श्रीमन रावण रथ के ऊपर सवार है और आप पैदल हैं, मुझे विश्वास नहीं होता कि पैदल वाला इंसान किसी तरीके से रथ वाले को जीत सके। तो श्री राम ने कहा घबराओ नहीं, हमारे पास में धर्म का रथ मौजूद है। उसी समय रावण और आगे बढ़ा और रावण कहने लगा, रावण कह उठा तुच्छ बालक जब पैदल लड़ने आता है,
तब उससे रथ पर लड़ने में लंका का न... रावण के उठा तुक्ष बालक जब पैदल लड़ने आता है तब उससे रथ पर लड़ने में लंका का नाथ लजाता है। रावण ने जब ये कहा जिस तरीके से निहत्थे बैरी के ऊपर योद्धा का ये कर्म नहीं है कि उसके ऊपर भार करे, यह कहकर रथ को छोड़ दिया, बोला ले मैं भी पैदल हूँ कुछ कुछ करने के लिए तुम्हें कल के ही दिन से बेकल हूँ। जैसे ही